हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल DK पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं आपके आय व्यय पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्यों दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का आपको चांस रहता है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर एक दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनकी व्यय में यानी खर्च में 2:1 के अनुपात है। ठीक है, यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका बचत बराबर क्या होती है, आपकी आय माइनस आपका व्यय। ठीक है, ये आपका बचत होती है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों वो है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे कौन सा तरीका है आपका, कि मान लेते हैं यहाँ पर ए की आय क्या हो गई, ए की इनकम मान लेते हैं हम 3x और बी की मान लेते हैं हम इनकम कितनी 2x। तो यहाँ पे इनका खर्च मान लेते हैं, ए का एक्सपेंडिचर मान लेते हैं हम आपका 2x और बी का कितना मान लेते हैं हम, सॉरी 2y और बी का मान लेते हैं हम y। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है आपको, यहाँ पे काम करना है आपको। तो पहली समय देखते हैं, 3x माइनस के 2y यानी ए की इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर बराबर कितना है, कितनी बचत कर रहा है 4,000। तो दोस्तों एक समीकरण तो आपकी ये बन गई और दूसरी क्या बन जाएगी आपकी, 2x माइनस के 2y बराबर आपका 4,000। ये दोस्तों दो समीकरण आपकी बन गई। अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करना है आपको, यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए इन समीकरण को बराबर करने क्या करेंगे, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, नीचे आपका 3 की मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स कट जाएगा, बाई के बने कल क्या आ जाएगा, निकालना किसका आपका एक्स का। ठीक है, फिर उसको रख देंगे समीकरण में, किसी एक समीकरण तो आपको मान निकलेगा। अगर दोस्तों आप इस तरह से इनको सॉल्व करोगे तो कम से कम मान चलो कम से कम आपको 1 से लेकर 1.5 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिससे कुछ कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लो। कौन सी ट्रिक है वो आप देखते हैं। जैसे दोस्तों मान लो ए की इनकम की बात की जा रही है, ए और बी। ठीक है, इनकम की बात करें, अगर ए की तो कितनी है आपकी 3, बी की 2 है, 3:2 हो गया। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना है आपका 2:1, तो 2 यहाँ पर 1:1 आपका। अब देखिए दोस्तों, बचत दे रखी है आपकी, यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करता है तो यहाँ पर लिखेंगे आपका सेविंग, ये आपका 4,000 हो गया, इधर भी आपका 4,000 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्या काम करना है आपको, आपको दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस है आपका 1 का और यहाँ पर कितना डिफरेंस है आपका 1 का। यानी दोस्तों तो ये दोनों डिफरेंस आपका बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसको बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, ये जब मैंने आपको अनुपात समझा तो पढ़ाया था उसमें बताया था अच्छे से। ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए, आपके ये दोनों बराबर है आपका 1, तो यानी कि 1 की वैल्यू दोस्तों जो आपकी ये आपकी 4,000 के बराबर है। इतना करना, आप पूछा क्या आपसे, 1 ही आय के पूछा, तो क्या करेंगे हम 1 ही, तो 3 × 4,000 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 12,000। यही दोस्तों आपका आंसर है। अगर आप सही से करो तो मुश्किल से 10 सेकंड का समय आपको लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये आपके आगे ए की इनकम। ठीक है, और बी की बात है तो क्या करेंगे आप, 2 में कर देंगे मल्टीप्लाई 4,000 का, 2 × 4,000 कितना हो गया आपका 8,000 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 10 सेकंड लगेंगे मुश्किल से आपको सॉल्व करने में, अगर थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर दी तो। इस तरह दोस्तों आप इनको क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर एक्स वाई मान करोगे दोस्तों जिंदगी में करते रह जाओगे, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होता एग्जाम में कि एक क्वेश्चन को आप 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर बराबर था दोनों का डिफरेंस। अगर बराबर नहीं तो उस केस में क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन आपको और देख लेते हैं। देखिए ये है आपका ए और बी की साप्ताहिक आय का जो अनुपात है 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग आपका क्या होगा। यहाँ पर ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये इनकम होगी कितनी है आपकी 9:7 और एक्सपेंडिचर कितना है आपका 4:3 और बचत कितनी है आप दोनों की 200 रुपये सप्ताह। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस 4 का, यहाँ पर कितना डिफरेंस 5 का। तो दोस्तों इस केस में हम क्या काम करेंगे, जब डिफरेंस बराबर ना हो तो इसका बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए आपका 1 का डिफरेंस है। यानी जो 1 का डिफरेंस है इसके मल्टीप्लाई करेंगे वो हम ऊपर और 2 को आए इसी करेंगे नीचे वाले समीकरण में। तो कितना देखिए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9:7 रहेगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 4×2=8:6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, अब ये डिफरेंस आपका बराबर आ गया। यानी जो एक एक यानी 1 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 200 है। और पूछा क्या दोस्तों आपसे, दोनों सप्ताह की आय पूछा, यानी कि इसकी पूछा है कितना हो गया, ये आपको हो जाएगा 1800। ठीक है, ए की बी कितना हो जाएगा 7×8=200,
यानी 1400। अब पूछा क्या दोस्तों, इन दोनों का योग पूछा है, तो क्या हो जाएगा 1800 इनकम का योग प्लस के 1400 यानी 3200 आपका आंसर आ गया। इस तरह से दोस्तों आपको सॉल्व करना है। आप देखिए दोस्तों इसमें एक टाइप क्वेश्चन आपका और आता है, इसमें देखिए आप क्या है, इसमें आपकी जो बचत है वो बराबर है। जब आपकी बचत दोनों में बराबर ना हो तब उस केस में हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं कि दो व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है 5:3 है, और जब जबकि उनके व्यय का जो अनुपात है 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सही से समझना होगा आपको। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब बात करें इनकम की, कितनी है आपकी 5:3, और व्यय कितना है आपका एक्सपेंडिचर 9:5। ये आपका इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको ये डिफरेंस नहीं दिखना है, इनकी बचत देखिए कितनी बचत है आपकी, ए कितनी 1300 यहाँ लिखेंगे नीचे 1300, और बी कितनी आपकी 900, तो 900 में यहाँ लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस केस में, जब आपका जो बचत है वो आपकी बराबर ना हो उस केस में। तो दोस्तों ये 5 है, इसकी मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, ये 5 है ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितना हो गया 5 × 5 कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 को लिखेंगे हम यहाँ पर ए के ऊपर ठीक है। अब इन दोनों करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 9 में कितना होगा 9 × 3 = 27, इसको लिखेंगे हम बी के ऊपर 27, इतना आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या काम करना है, आप नीचे आइए देखिए, इस 5 ही करेंगे मल्टीप्लाई हम 1300 में, तो 1300 × 5 कितना हो गया 6500, लिखेंगे 1300 को नीचे कितना हो जाएगा 6500, ये 9 है इसी करेंगे मल्टीप्लाई आपको 9 में 900 में, तो कितना हो गया 8100 यहाँ लिखेंगे नीचे आपका। यहाँ तक तो समझ में आपके आ गया हो क्या करना है हमको, सबसे पहले कि 5 × 5 करना 25, इसके ऊपर लिखेंगे 3 × 9 = 27, 3 के ऊपर ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई 1300 में कितना हो गया 6500, 9 की 900 में 8100, या आप ऐसे कर लो एक ही बात है ठीक है, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 25 27, कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है आपका, और यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है आपका 8100 6500 में, यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस है आपका 1600 का, यानी अंतर जो है। तो इतना काम करना था, देखिए 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1600 बराबर रख देंगे, 2 की वैल्यू आपकी 1600 है, तो एक कितनी हो जाएगी आपकी 1600/2 यानी कि 800 हो गई। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या पूछा आपसे, प्रत्येक की इनकम पूछी है, अब निकालेंगे ए की इनकम कितनी हो जाएगी 5 × 800 कितना हो गया 4000 रुपये हो गया ठीक है। और बी की पूछा तो बी कितनी हो जाएगी आपकी 3 है, तो 3 × 800 यानी कि आपकी 2400। तो दोस्तों यही आपके आंसर निकल के आ गए हैं, ए की इनकम 4000, बी की 2400। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर दोस्तों मैथ आपका पूरा पढ़ना चाहते हो चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक से, तो यहाँ लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की प्लेलिस्ट की, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हो जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।